तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस चैनल में। एंड इट्स 10 o'clock एंड वी आर गोइंग टू जिम गाइस एज यूजुअल। एंड वी आर गोइंग टू हिट चेस्ट टुडे एंड सम रियर डेल्ट्स। आज वैसे मेरा गाइस जिम जाने का मन था नहीं, क्योंकि एक्चुअली आज मेरा फास्ट है, तो बिल्कुल ही मन नहीं था मेरा जिम जाने का। बट फिर भी मैंने सोचा कि यार पता है जिम ना छोड़ा नहीं जाता ऐसे। जब आप रेगुलर जिम जाते हो ना, तो आपको फिर ऐसा लगता है एक चीज मिसिंग है यार। मतलब वो क्या एक मिसिंग फैक्टर है आज के दिन में, कि जो मतलब आप मतलब चाहते हो कि मिस हो गया हो आज। तो वही मेरे साथ था यार, एंड वो जिम था। तो कोई नहीं, अब जा रहे हैं जिम। बट एज यूजुअल गाइस, जिम में इंटेंसिटी जो रहेगी वर्कआउट के अंदर वो सेम रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि मेरा फास्ट है या नहीं है, एंड मैंने कितना वो खाया है, खाना खाया है नहीं खाया। तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी गाइस। एंड आप जरूर शेयर करना गाइस, आपने कौन सा वर्कआउट करा आज, एंड कौन सा स्प्लिट कर रहे हो, ब्लो स्प्लिट कर रहे हो या फिर पुश पुल लेग कर रहे हो, या फिर आपका वही रूटीन है, क्या कहते हैं, फर्स्ट डे चेस्ट, फिर बैक, फिर बाइसेप्स, फिर ट्राइसेप्स, फिर शोल्डर एंड फिर लेग्स। क्योंकि सबका अलग अलग, मतलब मैं देखता हूँ कि रूटीन रहता है जिम का वर्कआउट करने का, तो इसलिए मैं मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका क्या रहता है। क्योंकि मेरे को, मैं भी पहले मतलब ऐसे ही, जब मेरी स्टार्टिंग थी जिम टाइम की, तब मेरा भी जो, मैं भी जब जिम करता था मैं यही करता था, मंडे चेस्ट, फिर बैक, फिर बाइसेप्स, फिर ट्राइसेप्स, फिर शोल्डर एंड देन लेग्स, और संडे को रेस्ट सातवां दिन। स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से सभी यही करते हैं यार। बट उसके बाद जैसे जैसे एडवांस लेवल होता जाता है, जैसे जैसे नॉलेज गेन होती रहती है, फिर धीरे 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 काफी मतलब नॉलेज आ जाती है, तो उनको पता लग जाता है कि ये रूटीन उनको बेस्ट रहेगा, मतलब उनके लिए सूट करेगा ये रूटीन। क्योंकि मैंने भी थोड़े टाइम पहले पुश पुल लेग स्टार्ट करा था, फिर पुश पुल लेग मैंने स्टार्ट करा, उसके बाद से ही मैंने मतलब ये रूटीन स्टार्ट रखा। क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले से यही करता था, चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, लेग्स। और फिर मेरे को एक मतलब जानने वाला ही है, उसने बताया था कि यार मतलब ये वर्कआउट, मतलब वर्कआउट चेंज करना चाहिए आपको टाइम टू टाइम। इससे क्या रहता है ना, इससे मतलब एक तो ना मसल को ना उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। आप वही वर्कआउट सेम रूटीन करोगे दो तीन महीने, चार महीने, और फिर जब आप वर्कआउट चेंज करते हो, लेट सपोज कि आपने 3 मंथ ये कहते हैं ये वाला वर्कआउट करा, चेस्ट, बाइसेप, ये वाला जो मैंने आपको बताया, एंड फिर आपने जो नेक्स्ट 3 मंथ है उसमें वो कर दिया पुश पुल लेग्स का स्टार्ट, तो मसल को ना कुछ नया मिलता है वर्कआउट के लिए, एंड ग्रो भी अच्छी होगी। क्योंकि आप हफ्ते में 2 बार एक चीज को ट्रेन करोगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी ग्रो होगी। तो कल हमने करा था गाइज लेग्स, एंड वीडियो आ चुकी है, ग्रेट इंटेंसिटी। जो मैंने वर्कआउट की वीडियो डाली है वो मैंने, क्या कहते हैं, जो उसका थंबनेल आप उससे आइडिया लगा लोगे, जो मैंने वर्कआउट करा है पूरा सैम सोलिक का, मतलब वो सैम सोलिक स्टाइल करा है वर्कआउट मैंने, एंड मतलब वैसा ही, मतलब वो नहीं करा है मैंने कि आप कहोगे कि भाई तूने सैम सोलिक के थोड़ी वो करा है, कॉपी थोड़ी करा है मैंने। बट या कि उसकी थोड़ी चीजें मैंने मतलब कॉमन लेके थोड़ी चीज कॉपी करी, मतलब स्टार्टिंग मैंने उसने लेग एक्सटेंशन से करी थी, तो मैंने लेग एक्सटेंशन से स्टार्टिंग करी, देन उसने लेग कर्ल करे तो लेग कर्ल करी, फिर उसके जिम में कोई और मशीन से, बट मैंने उसकी जगह लेग प्रेस करी, स्क्वाट्स नहीं करेगा इस हमने, क्योंकि स्क्वाट्स की जगह मैंने लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन कर लिया, तो उसमें क्वाड्स हमारे ट्रेन हो चुके थे। एंड प्री वर्कआउट जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं नहीं लेता, बट मैंने प्री वर्कआउट जो पहला लिया था, या तो ऐसा लगता है कि मैंने प्री वर्कआउट गलत ले लिया था, मैंने F1 का लिया था, ये एक F1 करके ब्रांड है, उसका प्री वर्कआउट मैंने लिया था, एंड मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लगा, पता नहीं क्यों। फिर मेरे को किसी ने बताया कि मसल ब्लेज का ले लें, फिर मेरे को किसी ने बताया फ्रीक का अच्छा आता है, फिर मेरे को किसी ने बताया C4 का अच्छा आता है, क्योंकि अब इंटरनेट इतना ज्यादा उस पे है ना, बूम पे, कि मतलब आप एक चीज सर्च करोगे ना कि मतलब प्री वर्कआउट चुनने का, कौन सा प्री वर्कआउट अच्छा आएगा, तो काफी सारी लिस्ट आ जाती है, और उसमें से फिर आपको चुनना, आपका ऑनेस्ट रिव्यू कोई मतलब बताएगा आपको ये है, क्योंकि हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती है। अब मेरे को जो प्री वर्कआउट सूट कर रहा है वो आपको नहीं करेगा, जो आपको प्रोटीन सूट कर रहा है वो मेरे को नहीं करेगा, ऐसा ही होता है। तो उसमें यही रहता है कि मतलब किसी का वो नहीं रहता कि यार मतलब भाई इसको ये प्री वर्कआउट सूट कर गया है
तो मेरे को भी करेगा ही करेगा, या इसको ये वर्कआउट सूट कर रहा है तो मेरे को करेगा ही करेगा। और ऐसा भी नहीं कि यार मैंने आपको कोई एक्सरसाइज बताई, मान लो कोई भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ करने के लिए, ठीक है, एंड वो आप कर रहे हो, अगर आपको उसको फील नहीं हो रहा ना, मतलब आप लेट्स सपोज कि आपको मैंने चेस की एक्सरसाइज बताई और वो आपको फील नहीं दे रही है, आपको कोई पंप नहीं दे रही, तो वो बेकार है आपके लिए यार। अगर मैंने आपको कोई एक्सरसाइज बताई और आपको उससे अच्छा ग्रेट पंप मिल रहा है एंड ग्रेट इंटेंसिटी से आप उस चीज को कर रहे हो, तो उस चीज को आप, उस चीज का फायदा है ना मेरे को बताने का भी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई चीज बताई और आप उसको कर रहे हो और मजा ही नहीं आ रहा, तो फायदा क्या उस चीज को करने का। चाहे वो मिस्टर ओलंपिया बता रहा हूं आपको यार, जब तक आपको वो चीज खुद आप करके देखोगे, खुद वो इफेक्ट नहीं दे रही कुछ, वो एक्सरसाइज खुद रिजल्ट नहीं दे रही कुछ, वो तो बेकार है आपके लिए। चाहे वो कोई भी बता रहा हो, चाहे वो बड़ा भाई बता रहा हो, चाहे वो ट्रेनर बता रहा हो, चाहे वो कोई फ्रेंड बता रहा हो। तो इसलिए गाइज जो भी एक्सरसाइज कहीं से भी देखते हो उसको खुद फॉलो करो, उसको खुद देखो कि आपको पंप मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एंड गाइज डाइट, ऑलवेज डाइट अच्छी रखो अपनी। तो दैट्स इनफ गाइज फॉर चिट चैट एंड आई विल सी यू जिम गाइज। लाइक यू बी स्ट्रांग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन। Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed.
turn it up. Chest and rear delts done, guys. And that was a quick left. क्योंकि मैंने आपको बताया आज मेरा fast था, तो इतना तो मन कर नहीं रहा था क्योंकि बिल्कुल खाली पेट हूँ मैं. शाम को ही आई गेस मैंने 7 या 8 बजे ही fast खोला है. तो आप समझ सकते हो guys कि मतलब एक जिम वाले बंदे के लिए, क्योंकि डाइटिंग डाइट चलती है ना मेन आपकी प्रॉपर पूरी सुबह से लेके शाम तक की, और मेरे को आज वो मिले नहीं. तो ज़्यादा मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब फास्ट भी रखना चाहिए, व्रत रखने चाहिए. एंड आज एकादशी थी तो मैंने एकादशी का व्रत रखा था. एंड और कोई व्रत नहीं रखता मैं, सिर्फ एकादशी को रखता हूँ, एकादशी रखता हूँ. एंड चेस्ट डन गाइस. चेस्ट में हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी थी आज. पहले हमने इंक्लाइन पे बारबेल से करी प्रेसिंग, एंड फिर हमने फ्लैट बेंच पे करी थोड़ी प्रेसिंग एंड डंबल प्रेसिंग, एंड फिर हमने आई गेस चेस्ट प्रेस करी एंड मशीन में, एंड देन हमने फ्लाई करी क्या कहते हैं केबल्स के, और रियर डेल्स की एक एक एक्सरसाइज बस. एंड टाइम हो रहा है गाइस 11:40, एंड इसमें हमारा वार्म अप भी था, इसमें हमारा मतलब कोई आज एक फ्रेंड मिल गया था तो उससे बातें भी थी. पता मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब ये चीज़ पता नहीं ये अच्छी है नहीं है, अगर आपके जिम में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना तो आपका वर्कआउट जल्दी हो नहीं पाता, क्योंकि आप आपको सबसे मिलना पड़ता है. एंड मेरा ये नेचर है कि मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मतलब चाहे वो क्लबिंग हो गई, चाहे वो कहीं घूमना हो गया, चाहे वो कहीं जिम ही हो गया, मेरे बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं. पता नहीं ऐसा क्यों है, एंड इसी के कारण मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. मेरे घर वाले खुद परेशान हैं इससे कि तेरे के बहुत सारे दोस्त हैं, मना करते हैं जाने के लिए रात को. और उन्हें क्या पता कि रात को ही जाने का तो मजा है यार, जिम भी करते रहो फन भी करते रहो, क्योंकि ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा. फिर बाद में पछताते रह जाओगे कि मैंने वो नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, मेरी लाइफ में वो रह गया था, अरे मैं उस समय वो कर लेता, उस टाइम पे वो कर लेता. फिर बाद में ये सब नहीं मिलेगा भाई, जिस टाइम पे जो है उस टाइम पे वही करो. बंदा अपनी जवानी में सोचता रहता था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, इतने में 30 साल हो जाते हैं, 30 का हो जाता है. फिर वो 30 में कमाना शुरू करता है, क्या करूँ क्या करूँ, कमाता रहता है, घर वालों को देखता है. फिर वो 40 का हो जाता है, फिर वो कहीं जाके अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है. तो इसलिए गाइज, चाहे पापा के पैसे हों, चाहे आपके पास पैसे हों, और चाहे किसी के पास पैसे ना हो तो पैसे कमाओ आप, बट लाइफ में इंजॉय करना कभी मत भूलना, चाहे वो कैसा भी इंजॉय हो गाइज. चाहे वो किसी चीज का ही पैशन हो, चाहे वो आपको जिम का पैशन हो, आपको सिंगिंग का पैशन हो, करना मत भूलना उसको, छोड़ना. मतलब आपको ऐसा रिग्रेट नहीं रहना चाहिए यार कि मैं उस टाइम पे ये कर लेता यार, मेरे पास उस समय टाइम था. ऐसे मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं कॉलेज टाइम में ये वीडियोस क्यों नहीं बनाता था जो मैं अब बनाने लग रहा हूँ, एंड मैं उस समय ये क्यों नहीं कर पाया. बट अब मेरे को रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि अब मैंने शुरुआत कर दी है. अगर मैं नहीं करता तो मेरे को ये रहता कि यार देखो मैंने वीडियो बनाई. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज होती है कि मतलब आपको, मेरे को ये लगता था कि YouTube पे ना मतलब क्या कहते हैं आपको वीडियो डालना कैसे डलेंगी, प्रमोट करना कैसे प्रमोट होगी, चैनल कैसे ग्रो होगा, ये सारी चीज़ें YouTube पे है. इतने सारे बंच ऑफ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये सारी वीडियोस डाल रखी हैं कि स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, आपको अपना क्या कहते हैं मिडल रोल कैसे प्ले करना है, एंड आपको अपना लास्ट रोल कैसे प्ले करना है. तो ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी आपको, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा. तो इस चीज के लिए गाइस कभी घबराना मत, आपको जब भी मौका मिले ना, मैं तो कह रहा हूँ आप आज ही के दिन से, जिसे मैंने स्टार्ट करी है, मैंने जिस दिन से स्टार्ट करा है, आप उस दिन को ना छोड़ के, आप जिस दिन मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे साथ के लोग हैं या जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे को अगर देख रहे हैं, तो शुरुआत करो गाइस. वीडियो की नहीं कह रहा, अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो वर्कआउट करो. अगर आप
अगर आपको किसी का पैशन है ठीक है ना, आप वो स्टार्ट करो। एंड अभी गाइस गलती से मैं अपना क्या कहते हैं क्रिएटिन वगैरह लेके गया था एंड मैंने वो पी लिया, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि फास्ट था मेरा, तो मैंने वो सब फेंका है अभी। एंड चलो कुछ नहीं, भगवान इतनी भूल चुक को तो माफ़ कर ही देते हैं। तो गाइस अभी मैं पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा, बॉइल्ड क्या कहते हैं बॉइल्ड पोटैटोस मम्मी ने बना दिए होंगे। एंड सुबह का जिम गाइस हम अभी प्लान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा जिम वैसे सुबह मेरा जिम वैसे पूरे टाइम खुला रहता है क्योंकि मैं एनी टाइम फिटनेस में वो करता हूँ जिम, तो इसलिए मेरे को जिम जाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कभी भी जिम जा सकता हूँ, चाहे 4 बजे 3 बजे 2 बजे कभी भी जिम जा सकता हूँ। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं मंडे से सोच रहा था मंडे से शुरू करूँ मैं, बट मैं मंडे से शुरू से नहीं कर पाया क्योंकि संडे को क्या होता है ना, संडे को जिम ना 12 से 5 बंद रहता है रात के, तो वो खुलता 5 बजे के बाद ही है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिम 4 बजे जाऊँ, पर 4 बजे जा ही नहीं सकता मैं, 5 बजे खुलेगा तो उसके चक्कर में रह गया क्योंकि 5 बजे के बाद ना क्राउड आने लग जाता है जिम में। तो यही एक रीज़न था सुबह ना जल्दी जाने का। एंड गाइस ये गली के कुत्ते इतने, मतलब क्या बताऊँ, आई लव डॉग्स बट ये ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये किसी को भी काट लेते हैं हमारी सोसाइटी में। देखो अभी एक आगे चल रहा है, अब थोड़ा तेज चला दूंगा तो मर जाएगा बेचारा। तो गाइस आ चुका है घर हमारा एंड मिलते हैं गाइस एक छोटे से लिटिल ब्रेक के बाद। आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, हैव फन।